आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या आप सोच सकते हैं कि 20 रुपए के लिए किसी को गोली मार दी जाती होगी पटना की गलियों में? एक गुटके के लिए, पान मसाला के लिए उस पान दुकानदार को गोली मार दी जाती होगी कि उसकी मौत उसी जगह पर तुरंत हो जाती है? शायद सच्चाई यही है पटना की। और पटना के पुलिस के जो मुखिया हैं भट्टी साहब, वो कहते हैं कि मेरा इकबाल है। कहां है इकबाल आपका भट्टी साहब? 20 रुपए के लिए अपराधी जो है गोली मार देते, एक पान मसाला के लिए पान दुकानदार की जान ले ली जाती है, कहां है आपका इकबाल? शाम ढलते ही बिहार पुलिस की वो गाड़ियां लाल और ब्लू बत्ती जलाते हुए जनता को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करती हैं कि हम आपके साथ हैं, निर्भीक होकर आप घूम सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये शाम ढलती है, लोग अपने घरों में समय से पहले आ जाना उचित समझते हैं। क्या भरोसा अपराधियों का? और फिर जब कोई कांड होता है, आप पुलिस के पास जाइए तो कहते हैं ये मेरे थाने में नहीं है, उस थाने में है। हमने ये बात पहले इसलिए बताई, आपको याद होगा यूपीएससी की परीक्षा के दिन, उस पहली रात को, शनिवार का दिन था, बक्सर के निमेश गांव का लड़का राहुल ओझा परीक्षा देने पटना के राजेंद्र नगर स्टेशन पर उतर विभूति एक्सप्रेस ट्रेन से आया था। पटना में उसके दोस्त रहते थे, उनसे कहा कि अपना लोकेशन भेजो, और उस लोकेशन के ही मार्फत वो जा रहा था उनके घर। इसी बीच अपराधी उसे रोकते हैं, अपराधी का हम नाम भी बताएंगे, अपराधी उसे रोकते हैं, कहते हैं पर्स निकालो, पैसा दो, मोबाइल दो, बहसा बहसी होती है और उसे पिस्टल निकालकर उसके पेट में गोली मार दी जाती है। करीब 6 फुट का लड़का तुरंत अपनी भाभी को पहले फोन लगाता है जो निमेज में रहती है, उनसे कहता है कि मुझे गोली लग गई है, भैया को भेजिए। जैसा कि उसके बड़े भाई राजेश ओझा ने जब हमने अभी संपर्क किया तो हमें बताने की कोशिश की, भाई तुरंत दौड़ता है। और सबसे पहले मैं बता दूं कि लड़का अपनी पेट को पकड़कर राजेश्वरी हॉस्पिटल कंकड़बाग में पहुंचता है। दरवान जो है गेट खोलता, कहता है कि मुझे गोली लगी है, मेरा इलाज शुरू कीजिए, पैसा की चिंता मत कीजिए, मेरे घर वाले आ रहे हैं। अब सोचिए क्या बहादुर लड़का होगा जिसने यूपीएससी की तैयारी करके रखी थी और उसे दृढ़ विश्वास था, जैसा कि उसके भाई राजेश ओझा ने बताया, कि निश्चित तौर पर परीक्षा निकालता वो, क्योंकि इसके पहले वो बीएसएफ में रेडियो ऑफिसर का एग्जाम निकाल चुका था, दो दो एग्जाम निकाल के अभी ज्वाइनिंग नहीं किया था। घर वाले कह रहे थे कि ज्वाइन कर लो, तो ना जिद कहीं ना कहीं थी, जुनून कहीं ना कहीं था कि यूपीएससी निकालना है। लेकिन उस यूपीएससी के निकालने के चक्कर में घर वालों को क्या पता था कि वो अपने बेटे से ही हाथ धो देंगे, उनका बेटा ही नहीं रहेगा। बिहार पुलिस के जो मुखिया हैं, डीजीपी हैं, उनका ये इकबाल है कि पटना बड़ा सुरक्षित है, वो सुरक्षित पटना हमेशा के लिए चिरनिद्रा में उस यूपीएससी की परीक्षा देने वाले जवान को निकल गया, सुला गया। हम उसके भाई से अभी अभी बात किए, कल जब उसकी मृत्यु हुई है सुबह, जैसा उसके भाई ने बताया राहुल ओझा की, तुरंत आनन फानन में भाजपा के बांकीपुर विधायक नितिन नवीन अपने बड़े बड़े लोगों के साथ पहुंचे, धरने पे घर के लोग बैठे थे। और सोचिए एक गरीब घर का बच्चा, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, लाखों रुपए खर्च हो गए, परिवार इस परिस्थिति में नहीं था कि इतना पैसा खर्च करे, गांव की जमीन बिक गई पारस में इलाज कराते कराते। और आज जो है, यानी कल, आज मैं ये खबर आप तक पहुंचा ही रहा हूं, कल सुबह उसकी मृत्यु हो गई 5 दिन बाद। चलिए, हमने जो बात की उसके बड़े भाई राजेश ओझा से, सीधा सुनवाते हैं अपने दर्शकों को। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर ऐसा है कि मैं जरा राहुल जी के बारे में बात करना चाहता था आपसे, आपके मतलब छोटे भाई हैं, तो आप जरा सिलसिलेवार बताइएगा कि क्या हुआ था, यूपीएससी का प्री टेस्ट देने आए थे क्या हुआ था सर जी? ये 26 तारीख की रात को
जी सर, 26 से 12 बजे के बाद 27 तारीख को जरा हाँ, जी 26 जी की ये रात को जी यहाँ से विभूति ट्रेन पकड़ कर रघुनाथपुर स्टेशन से पटना गए हैं। जी एक्चुअली उनका यूपीएससी का एग्जाम हाँ, था। प्री टेस्ट था, यूपीएससी का प्री टेस्ट था। जी सर, जी सर, तो ये एक रात को अपने पटना जंक्शन से उतर के ऑटो से गए हैं जी राजेंद्र नगर स्टेशन पे, जी 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 और वहां से अपने दोस्तों को कॉल किए हैं कि अपना लोकेशन भेजो, हम रूम पे आएंगे, कल मेरा एग्जाम, हम रात जी भर आराम करेंगे तो फिर एग्जाम मेरा बढ़िया से जाएगा। ठीक, उनके दोस्तों ने लोकेशन सेंड किया, उसी लोकेशन के माध्यम से वो जा रहे थे। ये जा रहे थे। जी, बीच में ही वो लड़का मिला है जिसने इनको गोली मारा है। जी। तो हॉस्पिटल में जब वो भर्ती थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि वो मेरे पास आया, मेरे कनपट्टी पे पहले पिस्टल लगा दिया, अच्छा, पिस्टल था या कट्टा जो भी था, ठीक, डायरेक्ट पहले उनके से मिला है और पिस्टल ही लगा दिया है, जी और बोला है कि मोबाइल दो। जी तो मोबाइल तो इन्होंने नहीं दिया, लेकिन बोल रहे थे कि वो अपना डिमांड बढ़ाते जा रहा था, मोबाइल दो, पर्स दो, बैग दो। तो इन्होंने विरोध किया है उसका। जी विरोध करने के तदुपरांत इन्होंने वो क्या किया ना, उसी वक्त इनको पेट में गोली मार दिया है, बिल्कुल, राइट साइड में पेट जी सर, जी सर, जी सर, में गोली मार दिया। तो ये इनको समझ में आ गया, हालांकि उनको ज्यादा उस वक्त पेन नहीं हो रहा था, बोल रहे थे कि उस वक्त हमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन ये हमको पता था कि हमको गोली लग गई है। ठीक है, हाँ ठीक, उसी राजेंद्र नगर में बहादुरपुर गुमटी के आसपास है राजेश्वर अस्पताल है। जी, राजेश्वरी, राजेश्वरी अस्पताल है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, आजकल उसका नाम राजेश्वर हो चुका है। जी 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 तो वो उस अस्पताल में दौड़ते हुए पहुंचे हैं, जैसे भी पहुंचे हो और दौड़, डॉक्टरों से कहा है कि आप मेरा इलाज शुरू कीजिए, मुझे गोली लगी है और पैसे की चिंता मत कीजिए, नहीं इतना अब उसके बाद हाँ ये बात हुई है, जी। लेकिन एक गार्ड दौड़ते हुए आया है, खोला है कि जल्दी गेट खोलिए, हमको गोली लग गई है बोला है। तो उन्होंने पहले उनका फर्स्ट फर्स्ट एड बोला है उन्होंने कि मुझे गोली लग गई है, पैसे की चिंता न किया जाए, हम अपने घर वालों को बोल दिए हैं पहले मेरा इलाज किया जाए। ठीक इसी हॉस्पिटल में आने के क्रम में है, जी उन्होंने अपनी भाभी को भी कॉल लगा दिया है कि भाभी में हमको गोली लग गई है, जल्दी भेजिए किसी को यहाँ पे। भाभी पटना रहती थी ना? नहीं, भाभी गांव पे रहती थी अच्छा एक्चुअली, गोली अच्छा लग अच्छा अच्छा मतलब निमेज के ही आसपास कहीं। हाँ, निमेज ही गांव है हमारा। अच्छा, आपका निमेज ही गांव है, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो जरूर, ये हाँ क्या हुआ ना कि एक्चुअली आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले भाभी से बात हुई थी इनकी, अच्छा, वीडियो कॉल पे बात हुई थी। तो जी, बात हुई थी तो डायल नंबर में फर्स्ट ही नंबर दिखा रहा था, तो हॉस्पिटल जाने के क्रम में ही इन्होंने फोन लगा के बोल दिया कि हमको गोली लग गई है, जल्दी किसी को भेजिए। तो हमको यहाँ करीबन 1:30 बजे फोन आया है, हम 3 बजे हाँ, बाइक से निकले हैं एकदम बहुत तेजी में, राजेंद्र नगर हम 3 बजे पहुंच गए हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी लगभग होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां गए तो हमारे कुछ रिश्तेदार भी को भी हम कॉल कर दिए थे, पहुंचे हुए थे, फर्स्ट एड हुआ था, फर्स्ट एड हुआ था। तो उसके बाद जो डॉक्टर आए उन्होंने बताया कि काफी ब्लीडिंग हुई है अंदर, इन्फेक्शन भी हो सकता है बढ़ता जाएगा। अच्छा तो आनन फानन में उनका सर्जरी कराया गया। जी, सर्जरी कराने के 2 दिन के बाद, मतलब आज सर्जरी हुई सुबह में, आज रात को रुके, फिर कल शाम को डॉक्टर ने बुलाया हमें आईसीयू में कि ऐसी ऐसी घटना है, इनका इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है, लीवर जो आंत की सर्जरी हुई है उसका लीकेज बंद नहीं हो रहा है। हाँ अच्छा, हाँ तो हमने कहा कि तब इसका बेहतर इलाज क्या है, हाँ हाँ बेहतर से बेहतर बताइए। हालांकि हाँ जी हम इसमें सक्षम नहीं थे, लेकिन जी मरता क्या नहीं करता वाला हाल था। बिल्कुल 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 राजेश तो जी, जी क्या हुआ कि हम लोग इतना जल्दी, जब ये बात डॉक्टर ने बोला तो हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर जैसे तैसे बात करके पारस अस्पताल का सिलेक्शन किया अच्छा ठीक है, कि हमको पारस अस्पताल में लेके जाना है। माने हम लोग वहां दूसरे से, दूसरे दूसरे दिन ही राजेश जी, हाँ दूसरे दिन ही, ठीक है, ठीक है, दूसरे दिन शाम को जी
डॉक्टर के सजेस्ट के अनुसार कि इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, आप लोग कहीं इनको और आगे लेके जाइए हायर सेंटर पे। जी तो हम लोगों ने पारस, उन डॉक्टर ने ही बताया कि आप इनको या तो पारस ले जाइए नहीं तो वेदांता ले जाइए। ठीक है ठीक है। तो काफी इस पे विचार विमर्श करने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमको पारस ले जाना चाहिए। ठीक है हाँ। पारस हम लोग लेके गए, वहाँ फिर ऑपरेशन हुआ एक बार इनका। ठीक है। फिर से ऑपरेशन हुआ लेकिन डॉक्टर ने ये तो कंफर्म कर दिया था कि इनका लीकेज तो अब बंद हो गया है, लेकिन जो इनकी इन्फेक्शन की स्थिति है वो काफी हद तक बढ़ गई है। अच्छा। देखिए अगर इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है बिल्कुल हाँ। तो इनको हम लोग अपने कंट्रोल में बचा लेंगे, इन्होंने डॉक्टर साहब ने ये बात बताया था। ठीक है ठीक है ठीक है। कल शाम को हाँ आईसीयू में इनके वेंटिलेटर पे थे। अच्छा। कल सुबह में इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा। इलाज के दौरान तो राजेश जी इस बीच में जब हुआ कि तमाम मीडिया में खबरें आई कि मतलब वो ऐसा है कि पैसे की कमी पड़ रही थी, आप यहाँ तक खबरें आई कि वैसी परिस्थिति आप लोगों की भी नहीं कि मतलब पारस जैसे हॉस्पिटल का पटना में खर्चवान हो तो जमीन बिकने तक की, क्या कुछ है ये भी सच्चाई सर, क्या? मैंने पहले ही आपको बताया कि हम सक्षम नहीं थे इसमें बिल्कुल, लेकिन अब हमारे सामने ऐसी स्थिति ही उत्पन्न हो गई थी कि कुछ तो करना था, जैसे करें बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के तरफ से कोई मदद मिले या ना मिले, अपना अपना भाई मर रहा था तो उसको तो कैसे भी बचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजेश जी इसमें सुनने में आता कि दो दो परीक्षाएं उन्होंने पहले भी निकाली थी, ज्वाइनिंग के लिए उनका बुलावा आ रहा था, सब कुछ, तो क्या ये एक जुनून था क्या उनके अंदर कि मैं यूपीएससी निकालूंगा? अभी देखिए सर, वो एक साल से बहुत डिप्रेशन में है, एक या दो साल से। अच्छा। और इनका लगातार रिजल्ट आ जा रहा था, भले मेरिट किसी में बने या ना बने। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन रिजल्ट आ रहा था, कहीं ना कहीं इनका सिलेक्शन जरूर होता। अच्छा ठीक है हाँ। और हम पांच भाई है, पांचों भाई में ये सबसे तेज होनहार थे। अच्छा अच्छा ठीक है। सबसे छोटे थे ये। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका रिजल्ट था एसएससी और एसएससी रेलवे ग्रुप डी में, बीएसएफ हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर में। अच्छा। तो तब तक ये एग्जाम ही देने गए जी यूपीएससी का। अच्छा। तो आपको पता है कि जिसने गोली मारी थी इनको वो अरेस्ट हो चुका है, वो नेपाली जो है, ठीक है ना, शुभम उर्फ नेपाली उसका नाम है, वो अरेस्ट हो चुका है। और इनके बाद उसने एक पान वाले को भी गोली मारी थी और एक ऑटो वाले और किसी एक व्यक्ति को, रेलवे कर्मचारी को भी उसने उसी रिवाल्वर के बट से मार के घायल किया था उस दिन रात को। तो ये तो बात, लेकिन राजेश जी, लेकिन अरेस्ट हो जाने से ही तो आज राहुल ओझा लौट के नहीं आएंगे या तमाम जो भी वो पान वाला मरा है लौट के नहीं आएंगे, पुलिस प्रशासन बिहार पुलिस के लिए फिर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर बिहार पुलिस की पेट्रोलिंग टीम है जी सर, जी सर, हम जब भी 1.5 घंटे बाद पहुंचे हैं वहाँ कोई पेट्रोलिंग टीम अवेलेबल नहीं थी। अच्छा सर ठीक है। हमारे हम तो 1.5 घंटा बाद पहुंचे वहाँ पे, तब भी नहीं थी, हमारे आने के बाद वहाँ पुलिस पहुंची है। अच्छा, हम देखिए पुलिस ने इनका बयानवान दर्ज किया करीब 2-3 घंटे बाद पहुंच के। हाँ अच्छा। देखिए हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर से हम अपने पेशेंट के पास पहुंच चुके हैं जी, लेकिन अभी तक पटना पुलिस वहां नहीं पहुंची थी, हमारे आने के बाद पहुंची है। अच्छा ठीक है। तो उसमें FIR पटना पुलिस में आप लोगों से कुछ पूछताछ हुई या फिर क्या, मतलब क्या पटना पुलिस ने आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? पटना पुलिस में आश्वासन दी ये बोला है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा, इसको फांसी की सजा दिलाई जाएगी। अच्छा बस जी। क्या पटना पुलिस को पता नहीं है कि जिसको वो अरेस्ट करेगी वो पहले से बहुत बड़ा मुजरिम है? लेकिन राजेश जी क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ भी, जैसे सुना कि कल आप लोग नितिन नवीन कल आप लोगों से मिलने गए थे वहां पे पारस हॉस्पिटल के सामने ही आप लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे थे, तो सरकार से कुछ मदद मिलनी चाहिए कि एक होनहार बच्चा, वो घर का जो कुछ बनता, परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस की भी नाकामी है इसमें कि पुलिस रात को गश्त नहीं लगाती, सिर्फ वसूलने के लिए कहीं ना खड़ी रहती है भट्टी साहब की पुलिस, तो सरकार से क्या आशा है आप लोगों की? देखिए सर, अब तो भाई दुनिया में नहीं है जी, सरकार की जो इच्छा जी, मुझे मेरा उसमें कोई दबाव नहीं है। अच्छा सरकार हाँ, हमको कोई लालच नहीं है, हम लोग ने वहाँ काफी प्रयास किया जी,
हॉस्पिटल का खर्चा कुछ बच जाए हमारा, बहुत चूंकि हम लोग सक्षम नहीं थे, कैसे कैसे करके मैनेज करके बिल्कुल अपना हम लोग काम किए हैं, अभी भी उस कंडीशन में नहीं है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया अच्छा जाए। राजेश जी, एक बड़ा ये दूसरे तरीके का हम सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि आपके बगल में ही उत्तर प्रदेश है, अपराधी कांपते हैं वहां, राज्य छोड़ के जिला छोड़ के जिला बदर हैं, एकदम डर से जाते नहीं है यूपी में, क्या उस तरीके की कुछ व्यवस्था बिहार में नहीं होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए, ऐसे अपराधियों को जब पकड़ा जाता है उसी वक्त सरेआम बीच चौराहे पे खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। मैंने जैसा बाबा ने व्यवस्था उत्तर प्रदेश में किया कि अपराधी आज डर से रहते हैं, कहीं से कमी नहीं है, अपराधियों के लिए तो क्षमा ही नहीं है बाबा की व्यवस्था में। जी 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 जी। तो राजेश जी, घर की अभी क्या ये है, पिताजी तो अब माँ बात करने की परिस्थिति में नहीं होंगे, और मान लीजिए जिस घर का बेटा जाता है, हम भी समझ सकते हैं कि क्या ये होगा, आपके घर में माहौल होगा, लेकिन सरकार से आपने कहा नहीं, सर आप ये कह रहे हैं कि सरकार जो भी चाहे, या तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका तुरंत का, सरकार से कोई आर्थिक मदद की आपको चाह है? हमारी हम पहले चाहते हैं कि उसको केस को फास्ट ट्रैक मामले में चलाया जाए जी, और इसको जल्द से जल्द फांसी दिया जाए, तब पैसे की यहाँ पे बात ही नहीं, अब पैसा हमको नहीं चाहिए, सरकार की जो इच्छा हो दे न दे उससे हमको मतलब नहीं है, मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी हैं, क्या उनको कोई संदेश देना आप चाहेंगे कि इस मामले में कि नहीं, आज आपका भाई गुजरा है कल दूसरे के भाई के साथ ऐसा नहीं हो, क्या कहना चाहेंगे आप आरएस भट्टी जो डीजीपी हैं? इसलिए बोला इस केस को फास्ट ट्रैक में चलाया जाए जी, इसीलिए बोला है कि हमारे जैसे अब कितनों के उस दिन वो पान वाला मरा है, ट्रैक्टर वाले को मारा गया है जी, फिर एक रेलवे के कर्मचारी को भी मारा गया है बट से जी जी जी, जी। मैं चाहूंगा सर कि थोड़ा आप लोग को अभी सहयोग इसमें चाहिए जी, कि इसके आगे तक ले जाया जाए जी जी। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मेरे से बात किया, चैनल से बात किया आपने, लेकिन हम भी ये बातें सरकार तक पहुंचा देंगे, और जो आरएस भट्टी हैं, जो डीजीपी हैं, उनको भी बताएंगे कि वो हमेशा कहते हैं कि उनका जो इकबाल है बड़ा बिहार में है, तो हमें दिखाएंगे कि अब कोई दूसरा इस तरीके से राहुल पर कोई घटना नहीं घटे, इसके लिए हम भी ये खबरों को पूरे चाहेंगे कि पूरे इंडिया पूरे बिहार में फैले कि अब कोई दूसरा राहुल को अपना जान नहीं देना पड़े, घर के एक होनहार बच्चे को। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कितनी सच्चाई से बताया राजेश ओझा ने, हमने जब बार बार उन्हें कुरेदा कि क्या बिहार सरकार से किसी तरीके की मदद की गुहार आप लगाएंगे, उन्होंने कहा ना अब भाई ही नहीं रहा तो अब किसी चीज के मदद की क्या जरूरत, लेकिन हम ये चाहेंगे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो और ये मामला तुरंत चले और उसे फांसी दी जाए। हमने तमाम सवाल किए उनसे, राजेश ओझा से, हमने कहा कि क्या कहना चाहेंगे पटना पुलिस के बारे में, उन्होंने कहा कि मैं 110 किलोमीटर से पहुंच गया था 1.5 घंटे में अस्पताल में, और जब मैं पहुंचा तो करीब तीन से चार घंटे के बाद पुलिस आई। जो आज राहुल ओझा नहीं है उनका बयान दर्ज करने के लिए, हमने पूछा क्या कहा पुलिस ने, एसएचओ ने कहा कि हाँ कहा कि मैं हम तो इसको फांसी दिलवाएंगे और एकदम आपका मामला सही धरेंगे। बाहरे भट्टी साहब, यदि आपको फांसी ही दिलवानी होती तो ये जो शुभम उर्फ नेपाली जिसने गोली मारी थी पकड़ में आया है वो कल के दिन, तीन दो दो लोगों की उस रात में उसने हत्या की है, जान लिया है, बहुत से पुराने हिस्ट्री सीटर है, क्या उसे आप गोली नहीं मार सकते थे? आप उसे पकड़कर इतने चार्जशीट पेश किए होते कि कानून जो उसको आजीवन सजा दे देता। तो भट्टी साहब आपका इकबाल है कहां? आपकी पुलिस तो बस इतना ही कहती है कि फांसी दिलवाएंगे, जैसा कि राहुल ओझा के मामले में भी उसके परिवार के लोगों को एक सांत्वना दी गई है कि हम तो इतनी तैयारी के साथ चार्जशीट पेश करेंगे, ऐसा केस लिखेंगे कि निश्चित तौर पर इसे फांसी होगी, 3 महीने के बाद बेल होगा, शुभम उर्फ नेपाली बाहर आएगा और फिर से वही शुरू होगा। तो यह है इकबाल आपका भट्टी साहब, बेकाबू पटना पुलिस, वसूली करनी है आराम से करेगी,
लेकिन हम आपको दिखाएंगे, हम जो सीरीज एक बना रहे हैं उसमें हम आपको निश्चित तौर पर दिखाएंगे कि किस तरीके से पटना पुलिस रात में किस ओवरब्रिज के नीचे आराम से खड़ी रहती है। हम दिखाएंगे एक एक चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन जैसा कि राहुल के बड़े भाई ने कहा, आपने सुना, अब कोई दूसरा राहुल के साथ ऐसा न हो जिसके कारण राहुल ओझा के परिवार के लोग चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा अब इस शुभम उर्फ नेपाली को मिले, जैसा कि पुलिस कह रही है कि उसने ही गोली मारी है इसको। अब ये तो कानून तय करेगा, मुकदमा जब चलेगा, सबूत पेश किए जाएंगे, तब ये बात सामने आएगी। लेकिन सरकार ने कोई मदद नहीं की, परिवार की जमीन बिक गई, आज भी परिवार उस परिस्थिति में नहीं है कि बहुत अच्छे से रहन सहन परिवार का हो सके, लालन पालन परिवार का हो सके, जैसा कि उनके भाई ने बताया। अब देखना यह होगा कि क्या भट्टी साहब का इकबाल यहां चलेगा, क्या राहुल के जो लोग हैं, जो हत्यारे हैं, उन्हें सजा मिलेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं मनोज चतुर्वेदी